सामने वाला द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी इप्सिलॉन जीरो आर। परमिटिविटी क्या रे बाबू? मैंने आपको बताया दो टर्म होते हैं, एक परमी होती है और दूसरा परमेय होता है। परमी परमी यानी परमिटिविटी, परमी यानी परमिटिविटी यानी ही एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी ही परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमी परमिटिविटी परमी ये किसके लिए रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रहती है। दूसरा होता है परमेय, परमेय यानी परमेबिलिटी यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, वो म्यू जीरो से डिनोट किया जाता है। पहला वाला ये इप्सिलॉन जीरो से, इसका डायमेंशन अभी हम फाइंड करेंगे। दूसरा कौन सा? परमेय, परमेय यानी परमेबिलिटी यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी परमेबिलिटी ऑफ एयर या परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? हाँ, वो म्यू जीरो से डिनोट किया जाता है। लेकिन अभी हमें यहाँ किसके बारे में बोला है? परमिटिविटी। तो इसका एक फॉर्मूला जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। कहाँ बताया है बताओ? पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया है, है या ना? कैसे बताया है कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस R है, उनके बीच का एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, या फिर अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोला? 1/4πε0Q1Q2/r2। F यानी ये फोर्स, 1/4πε0 ये कांस्टेंट, इसमें इप्सिलॉन जीरो को बोला अभी मैंने क्या बोला जाता है? परमिटिविटी। Q1 यानी पहला चार्ज, Q2 यानी दूसरा चार्ज और r2, तो r ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। हाँ, तो इप्सिलॉन जीरो हमें चाहिए, तो इप्सिलॉन जीरो इधर लाएंगे, यप इधर लाएंगे, तो इप्सिलॉन जीरो इक्वल टू क्या होगा? 1/4π ये यफ Q1 Q2 अपॉन r2। क्लियर क्या बोलो? यस। तो भाई अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि हाँ वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूँ, चलेगा क्या? तो ये फोर्स, फोर्स ना बोलो, फोर्स ना रे ये। तो ये चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या है बोलो? चार्ज का यूनिट, चार्ज का फॉर्मूला क्या है? करंट इनटू टाइम। तो ये करंट इनटू टाइम, दूसरा Q2 का भी करंट इनटू टाइम है ना। फोर्स, फोर्स का बताया ना मैंने, फोर्स फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिख लेता हूँ। हाँ ये देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये आर यानी डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है रे? मीटर है ना। हाँ तो ठीक है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस स्क्वायर है, वैसा ही लिख लेता हूँ अभी, डिस्टेंस स्क्वायर। ओके हाँ देखो फिर, तो इसके मुझे बताइए जल्दी, इसके आप मुझे यूनिट बताओ। करंट का क्या है रे? एम्पियर। टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर ये स्क्वायर है ना। बोलो बोलो। तो ये आ गया एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी, ये मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर है ना। तो ये ए स्क्वायर यस स्क्वायर, ये डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन, तो ये रिवर्स हो गया, ए स्क्वायर अपॉन केजी मीटर क्यूब है ना। तो ये एम्पियर स्क्वायर सेकंड का पावर 4, ये केजी 1 और ये m3। तो डायमेंशन क्या आएगा? LMT लेंथ मास टाइम, और एक चौथी सीट ये इसको एम्पियर को दे देंगे है ना। तो लेंथ यानी मीटर, ये अप लिया तो -3 रे, मास यानी केजी, अप लिया तो -1, टाइम यानी सेकंड 4 और एम्पियर ये 2। तो देखो बड़ा डायमेंशन उसका क्या आया, फिर चेक करो कौन सा आ गया बोलो जल्दी। ऑप्शन बी आ गया, सही बात है,
यस डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वांटिटीज आर द सेम, वो कौन सी तीन क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है? तो मैंने आपको बताया है वो प्रेशर, स्ट्रेस और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कौन रे बाबू? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बताया ना मैंने। हाँ, कैसे ध्यान दो। तो अब एक मैं बात जो बताया तो अच्छी तरह से ध्यान दो। स्ट्रेस क्या रे बाबू? स्ट्रेस यानी प्रेशर। स्ट्रेस यानी प्रेशर। तो स्ट्रेस, प्रेशर, इसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या रे बाबा? हाँ, तो ये देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस को ही बोला जाता है कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और इस कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के फिर तीन पार्ट पढ़ते हैं। कितने पार्ट पढ़ते हैं? तीन पार्ट। एक है यंग्स मॉडुलस। क्या बोलो? ये वाई से डिनोट किया जाता है। दूसरा है बल्क मॉडुलस। क्या? तो ये कैसे डिनोट किया जाता है? और तीसरा है रिजिडिटी मॉडुलस। क्या रे बाबा? रिजिडिटी मॉडुलस। और ये इटा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? इटा से। अब ये टर्म देखो बरा कितने दिख रहे हैं आपको सर। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और इसके तीन पार्ट यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस। क्लियर क्या? इन सबके एसआई यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स और डायमेंशंस क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। अगर इनका एसआई यूनिट अगर आपको फाइंड करना है तो मैं बताता हूँ एसआई यूनिट। हाँ, तो देखो प्रेशर से बता देता हूँ तो सबके तो सेम ही है। हाँ, तो एक्चुअली देखो फॉर्मूला जो है प्रेशर का, किसका फॉर्मूला रे? वो है फोर्स अपॉन एरिया। क्या है? तो एसआई यूनिट क्या आएगा बताओ? फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। क्लियर? सीजीएस यूनिट चाहिए तो न्यूटन की जगह डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे ही। क्लियर क्या? और अगर डायमेंशन चाहिए तो यहाँ से आएगा। क्या आएगा बताओ बरा मुझे? फोर्स यानी क्या होता है रे? मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो मास का यूनिट बताओ केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर कैंसल, तो ये क्या आएगा? केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर। ये वन वन इसको लिया अप तो क्या आ गया? ये केजी वन, एम माइनस वन, एस माइनस टू। तो इनका डायमेंशन आ गया एल एम टी, लेंथ मास टाइम। लेंथ यानी मीटर माइनस वन, मास यानी केजी वन, टाइम यानी सेकंड माइनस टू। तो इन सब के ये डायमेंशन है। बोलो क्या? एल माइनस वन, एम वन, टी माइनस टू। क्लियर? ये दिमाग में फिट रखो क्योंकि ये पार्ट आपको ट्वेल्थ में आने वाला है। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं ट्वेल्थ का चैप्टर है क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्लियर? तो उसमें ये स्ट्रेस यानी प्रेशर यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसके ये तीनों टाइप्स आने वाले हैं, तो मैं अभी बता रहा हूँ। तो बोलो कौन से तीन टर्म रे फिर? स्ट्रेस, प्रेशर और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इनके क्या रहेंगे डायमेंशंस? सेम रहेंगे, यही पूछा है ना हमें। उसके बाद सामने पूछा है द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर रिस्पेक्टिवली। बढ़िया क्वेश्चन है। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बराबर ध्यान दो। प्लैंक कांस्टेंट
यह आपको केमिस्ट्री में भी है। तो एक फॉर्मूला है, प्लैंक कांस्टेंट आया, मतलब समझ लेना हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं? लाइट, प्रकाश की। तो इसमें फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू। क्या है? E इक्वल टू एच न्यू। E यानी एनर्जी लाइट की, लाइट की एनर्जी यानी फोटोन की एनर्जी। लाइट के पार्टिकल को क्या बोला जाता है? फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन। एच यानी ये प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है, ये फॉर्मूला है, ये मैक्स प्लैंक ने बनाया है। किसने बनाया है? कौन से साइंटिस्ट ने बताया है? मैक्स प्लैंक, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और न्यू यानी क्या रे? फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी तो यन से डिनोट की जाती है। देखो फ्रीक्वेंसी यन से भी डिनोट की जाती है, यप से भी डिनोट की जाती है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी ये न्यू से डिनोट की जाती है। कौन सा सिंबल है ये? एन यू, न्यू। क्लियर क्या? और फ्रीक्वेंसी यानी अभी मैंने बताया ना, फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है? वन अपॉन टाइम पीरियड, सादी भाषा में वन अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ बाबू तो कि सर ये एनर्जी इक्वल टू एच और सर फ्रीक्वेंसी यानी वन अपॉन टाइम है ना? अरे टाइम इधर लिया तो एनर्जी इंटू टाइम इक्वल टू एच है ना? तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट है ना? अरे अभी एच का डायमेंशन चाहिए आपको, तो ई यानी एनर्जी का डायमेंशन। इसी वीडियो में हमने देखा है एनर्जी का डायमेंशन, मैंने पांच टर्म बताया आपको, एनर्जी, वर्क, टॉर्क, कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स, इनके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशंस क्या होते हैं सेम। और अभी इसी वीडियो में बताया, क्या बताया रे? एनर्जी का डायमेंशन बोलो बरा, एल वन, बोलो बोलो जल्दी, एल टू, एम वन, टी माइनस टू है ना? और टाइम का क्या होता है रे? टी वन है ना? तो क्या आ गया बताओ बरा, एल टू, एम वन, ये माइनस टू और वन यानी माइनस वन, ये आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन है कि नहीं? बाकी और दूसरा किसका बोला है? एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला है? हाँ तो ये देखो, एंगुलर मोमेंटम यानी होता है लीनियर मोमेंटम। कौन रे? लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सादी भाषा में डिस्टेंस। क्लियर क्या? तो लीनियर मोमेंटम यानी होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है बोलो? और ये डिस्टेंस। क्लियर क्या? हाँ डिस्टेंस हम डी से डिनोट करेंगे। तो मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मीटर। तो क्या हो गया ये बोलो बरा? केजी, मीटर, मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड का पावर वन, अप लिया तो एस माइनस वन। तो डायमेंशन बताओ स्क्वायर ब्रैकेट में एल एम टी, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ यानी मीटर टू, मास यानी के जी वन, टाइम यानी सेकंड माइनस वन। तो एल टू, एम वन, टी माइनस टू, मिल गए दोनों के डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट के भी मिल गए और एंगुलर मोमेंटम के भी मिल गए, हाँ या ना? यस। उसके बाद में सामने हमें पूछा है कि लेट इप्सिलॉन जीरो डिनोट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अरे परमिटिविटी, परमी परमी परमी, एंड म्यू जीरो दैट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। परमेबिलिटी, परम्या परम्या परम्या, परमी और परम्या दोनों के दोनों आ गए साथ में। तो इफ यम यानी मास, यल यानी लेंथ, टी यानी टाइम और आई यानी इलेक्ट्रिक करंट, तो भाई परम्या और परमी के डायमेंशंस कौन से रहेंगे ये हमें बोला है, कौन से ऑप्शन रहेंगे? हाँ अरे परमी का रहेगा ऑप्शन बी, ये ऑलरेडी बताया रे। देखो रे परमी का अभी इसी वीडियो में हमने देखा ना, ये परमी इप्सिलॉन जीरो, क्या सिंबल ये? इप्सिलॉन जीरो, ये सिंबल इप्सिलॉन जीरो, इप्सिलॉन जीरो। और दूसरा परमे यानी म्यू जीरो, म्यू जीरो। क्लियर क्या? तो इप्सिलॉन जीरो तो पता चल गया, ऑप्शन बी देख रहे हो क्या?
और प्रश्न रह गया सर परमी का मिल गया परम्या का डायमेंशन, तो परम्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या बताया परम्या का फॉर्मूला बोलो बरा। तो मैंने बताया म्यू जीरो यानी फोर्स अपॉन करंट स्क्वेयर, क्या बोला बोलो। हाँ तो फोर्स का मालूम है आपको मास इंटू एक्सेलरेशन है या ना, अपॉन रे करंट स्क्वेयर है ना। बोलो फिर मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और अपॉन में करंट का है ना, वो आई से बोला है तो आई स्क्वेयर है या ना। बोलो बोलो, तो ये क्या आएगा बताओ बरा। फिर ये के जी वन एम वन और ये इसको अप ले लिया तो क्या आ गया रे, ये के जी वन एम वन यस माइनस टू आई माइनस टू, तो डायमेंशन स्क्वेयर ब्रैकेट में एल एम टी लेंथ मास टाइम और चौथी सीटी है करंट को आई को, करंट जो है वो आई से भी डिनोट करते हैं उसका डायमेंशन या ए से भी डिनोट करते हैं। ओके हाँ, तो लेंथ यानी मीटर वन, मास यानी के जी वन, टाइम यानी ये माइनस टू, करंट यानी माइनस टू। तो देखो बरा ये ऑप्शन सी दी है तो बी परमी के लिए और सी ऑप्शन परम्या के लिए। परमी यानी एप्सिलॉन जीरो, परम्या यानी म्यू जीरो, क्लियर क्या बाबू। ओके